गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा सेटिंग अ पिक्चर एट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यानी कि अगर हमने पेंट प्रोग्राम के अंदर कोई पिक्चर बनाई है बेटा, तो उसे हम हमारे डेस्कटॉप पे भी सेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो टू सेट द पिक्चर एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अगर हमें कोई भी पिक्चर जो हमने बनाई है बेटा, अगर हम इसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर सेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इमेज को ड्रॉ करना होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। उसके बाद बेटा क्लिक द पेंट बटन, यहाँ पे हमारा पेंट बटन होता है बेटा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। उसके बाद सिलेक्ट सेट एज बैकग्राउंड, उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है बेटा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, उसके ऊपर क्लिक करोगे। तो उसके बाद एक सब मेन्यू और अपीयर होगा बेटा, उसके अंदर बेटा हमें तीन ऑप्शन को चूज़ करना होता है, क्या क्या, फिल, टाइल और सेंटर, एज योर इमेज इज सेट टू द डेस्कटॉप। उसके बाद क्या होगी, हमारी जो इमेज है वो हमारी अकॉर्डिंगली क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। यानी कि सेंटर में रखना चाह रहे हो या पूरी स्क्रीन के ऊपर फिल करना चाह रहे हो, तो ये सब। उसके बाद बेटा क्लिक शो डेस्कटॉप बटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार, सी योर डेस्कटॉप। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हमारे जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर वो पिक्चर अप्लाई हो गई। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। देखो बेटा, मैंने इमेज ड्रॉ कर ली, मैंने इसको सेव भी कर लिया। सेव करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली पेंट बटन के ऊपर क्लिक करो, हमारे यहाँ सेव ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक जैसे ही करते हैं तो हमें एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। उसके बाद हमें नेम लिखना होता है, ये रहा आपका सेव एज ऑप्शन, क्लिक किया ओपन हो गया। यहाँ पे हमें फाइल का नाम लिखना होता है और उसके बाद किस पे क्लिक करना हो, सेव के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी फाइल क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। सेव करने के बाद हमें क्या करना था बेटा, पेंट प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक करो, दोबारा आपको ऑप्शन मिलता है बेटा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। उसके बाद देखो तीन ऑप्शन है आपकी, फिल, टाइल या सेंटर, मैंने सेंटर चूज़ कर लिया बेटा, ठीक है। जैसे ही मैंने सेंटर चूज़ किया, उसके बाद आप क्या करो, क्लोज़ करके देखो। तो आपको जैसे ही क्लोज़ किया तो देखो आपकी स्क्रीन क्या होगी, हमारे डेस्कटॉप पे ये पिक्चर क्या होगी, सेट हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी इमेज को सेट कर सकते हैं, जो हमने क्या किस पे बनाई होती है, हमारे पेंट प्रोग्राम के ऊपर डेवलप की होती है। तो आज आपका बेटा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, कल हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।